ये कहानी शुरू होती है दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से, जहाँ पर ऑस्कर नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट स्कल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। उसकी ये रिसर्च कहाँ तक जाएगी, ये आगे देखते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ऑस्कर हूँ और आप जहाँ पर हैं स्कल्स के ऊपर बात करने के लिए। स्कल्स पेरू के इतिहास की वो शान है जो बयान करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे इसमें रिसर्च है और आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गहराई का टॉपिक है। स्कल्स को जानने के लिए पेरू के मायन सिविलाइजेशन को जानना जरूरी है और इस जगह को भी, जो उस मायन सिविलाइजेशन से संबंध रखती है हम जानते हैं। पर जहाँ पर स्कल्स ऐसे ही पाए गए हैं जो कोई आम इंसान के नहीं थे, शायद आम इंसान के हों लेकिन उन्हें ऐसा बनाया गया हो। एक मिनट, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये सब क्या हो रहा है अभी? जहाँ पर ऑस्कर, वहाँ पर कोई लड़ रहा है, देखो इधर आकर। आ जाओ नमूना, मेरे से तुम नहीं बचोगे आज, आ जाओ, आओ। शायद मांस खाने का ज़्यादा ही शौक है। बुड्ढा यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे मैं जानता नहीं, रोकना होगा इसे। स्कल्स करेंगे ला। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं स्कल्स के बारे में। स्कल्स वो हैं जो इस इतिहास को और रहस्यमय बनाते हैं। इनको इस तरीके से बनाया जाता था कि उस समय के देवी देवताओं को खुश रखने के लिए। पर क्या पता वो देवी देवता कोई देवी देवता ना हो, शायद कोई अलग ही दुनिया के प्राणी हों। स्कल्स को एक अलग ही तरीके से तैयार किया जाता था और स्कल्स में कुछ ऐसी पावर मिलती थी जो कि असल ज़िंदगी की नहीं है। लड़का कोई आम लड़का नहीं है, अभी मुझे स्कल्स ढूंढने की ओर ध्यान देना चाहिए। सर, मैंने कोशिश की उस बुड्ढे को रोकने की, लेकिन वो बुड्ढा बड़ा ख़तरनाक फाइटर है। वो है यहीं पर लेकिन शायद कहीं चला गया है। वो जहाँ के सुपरनैचुरल स्कल्स को दुनिया में इलीगल तरीके से बेचना चाहता है। हमें इसे नहीं खोना है और मैं ये जानता हूँ। अब मुझे मौका दें, मैं इसे रोकूँगा। ये ले, ये तो मेरे से भी तेज निकला। शायद उम्र होगी अब मेरी, मैं क्या करूँ। जिंदगी एक सफर है मेरी नाव से जो चल रही है। ये क्या हो रहा है आगे? ओ तुमने देखा नदी में ड्रैगन आया, अभी ड्रैगन दिख रहा है, तुमने देखा? अरे मुझे लगता है कि ये ड्रैगन किसी आदमी ने जिंदा किया है। मम्मी कहाँ से आ गया, ये कोई देवी देवता का काम है, कोई देवी देवता प्रकट हो गए हैं, है ना? हाँ हाँ, लगता रहा है जो कुछ हो रहा है। चाइना आ तो गया लेकिन अब उस बुड्ढे को कहाँ से ढूंढूँ, उस अंकल को ढूंढना पड़ेगा। वो स्कल लेकर पता नहीं कहाँ चला गया, वो होगा तो जहीं कहीं, मेरे से बच नहीं पाएगा। उसे पता नहीं मैं उसके पीछे हूँ। लड़के, तू जितनी बार भी कोशिश कर लेकिन मुझे नहीं पकड़ पाएगा। चुपचाप बस कल मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुम्हारा ये हाल करूँगा कि तू याद रखेगा। पकड़ सकता है तो पकड़ ले, लेकिन मैं तेरे हाथ में नहीं आने वाला बच्चे। तू अभी जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, स्केलेटन गैंग का मेन लीडर। मुझे भी नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं कोई आम आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ये तो मुझे लगता ही है कि तू कोई आम इंसान नहीं है बच्चे, और मुझे पता है तेरा सामना कैसे करना है। सबसे पहले अपने बारे में बता, तू असल में है कौन, तू पेरू में क्या कर रहा था? मैं पेरू के कैसे खानदान का वारिस हूँ जिसका काम है सिर्फ सुपर नेचुरल स्कल्स को प्रोटेक्ट करना, जिनमें कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। और तुमने उस स्कल को चुरा लिया जो कि हमारे स्कल्स की कलेक्शन में था, वो कोई आम स्कल नहीं है। तुम पहले ये बताओ, तुम्हारे पास ही पावर्स हैं उन स्कल्स की वजह से, तुमने कैसे ली? जी राज, मैं नहीं बता सकता और इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही पड़े, तो मैं फिर भी लड़ूंगा, तुम चाहे जो मर्जी कर लो।
हाँ नो प्रॉब्लम, मैं तो तैयार ही हूँ लड़ने के लिए। मैं तो सोच ही रहा था कि तुमने लड़कर ही बात बनेगी, चाहे तुम्हारे पास जितनी मर्जी शक्तियाँ हों, लेकिन मैं हूँ एक कुंग फू मास्टर। मेरी बॉडी देखकर ये मत समझो कि ज़्यादा ही मोटा हूँ, मुझे अभी भी कुंग फू आता है। ओ तो आपको भी कुंग फू आता है, शायद कुंग फू के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। स्कल्स का दुनिया पर राज करने का समय आ गया है और इसके लिए स्कल्स तैयार हैं। सैनिकों हमला कर दो इस दुनिया पर। तुम सबको इस दुनिया के हर एक प्राणी को अपने गुलाम बनाना है, हमला करो। लड़के एक फाइट हो जाए तुमसे, जो जीता स्कल उसी का होगा बच्चे। अगर तुम हारे तो तुम मेरा पीछा नहीं करोगे, ठीक है बड्डे? तैयार हो लड़ने के लिए अब। सैनिकों शहर को पूरा घेर लो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम कुंग फू अच्छा करते हो, लेकिन अभी भी तुम्हें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। चलो फिर से लड़ो। क्या हार मान गए? बिल्कुल नहीं। ओ पार्ट हटे, रुको, हमारे आसपास देखो ये क्या चल रहा है। अंकल जी अभी लड़ने का वक्त नहीं है, हमें मिलकर इस समस्या को सुलझाना होगा। स्कल्स जिंदा हो गए हैं, तुम बाद में लड़ना, पहले मेरी बात सुनो। ठीक है छोटे उस्ताद, पहले लड़ लेते हैं, फिर उनको मजा सुखाकर बाद में अपना मामला सॉल्व कर लेंगे। हाँ भैया अंकल जी, अगर तुमकू तुम्हारा कुंग फू लाजवाब है। बैल बच गई, अब मामला सुलझ जाएगा।